हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मेरी गुड़िया रानी का बर्थडे है, जिसके सेलिब्रेशन में हम बहुत सारी तैयारी की। हमारे पास घर पर बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, सो उसके लिए हम ब्लॉग बना रहे हैं जो एक छोटा सा। तो आप लोग इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा अपना आशीर्वाद दीजिएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम दिखाते हैं हमारे पीहू के बर्थडे को हम किस प्रकार सेलिब्रेट करते हैं और वो कौन कौन सी सेलिब्रिटी हैं जो हमारे घर आज आए हुए हैं। सो आपको प्रत्येक मेंबर से मिलाएंगे और इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे। सो हमारे ब्लॉग में अभी तक प्लीज़ बने रहिएगा। तो सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पीहू के बर्थडे की तैयारियाँ कुछ इस प्रकार से शुरू हो चुकी हैं। और ये पीहू की बुआ हैं जो अपने मीठे मीठे हाथों से मीठे मीठे गुलाब जामुन बना रही, और ये उनकी दादी श्री हैं और ये भी बना रही गुलाब जामुन की गोलियां बना रही। और ये है मेरे पति देव, यानी कि मैनेजर साहब। मैनेजर साहब हाय करो। तो फ्रेंड्स, और मैंने कैमरामैन को भी इनवाइट किया है। ये हमारे कैमरामैन भैया हैं। और ये पीहू की दो मौसियां हैं, लिटिल मौसी, इनको हमने लगाया है मटर छीलने पर। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी इनवाइट कर रहे हैं, जो आसपास के हमारे ऑडियंस भाई हों आ सकते हैं। आज हम आष्टा में रहने वाले हैं, तो आप लोग यहीं पर आ सकते हो। हम आष्टा के प्रॉपर रहने वाले हैं, तो आप लोग यहां पर आ सकते हो आज का नोक्ता खाने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए गुलाब जामुन निकल रही है, यानी अभी गुलाब जामुन गुलाबी तो नहीं हुए हैं, बट हो रहा है धीरे धीरे। और सबसे प्यारा पीहू अगर किसी का आएगा तो वह मेरी दीदी का। ये बाल में बांधने वाला पीहू ने चिमटा तोड़ दिया, तो अभी ये मैन वो ले आए थे कैमरामैन भैया, तो ये अभी फेल है फिलहाल। अमरावती को ये पसंद नहीं आया है। जिम्मेदारी आपकी है भैया। और हम पीहू के जन्मदिन पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं सबको। आप लोग भी देख सकते हो कितनी महंगी मिठाई लाए मैंने, जैसा मिठाई किलो वाले ले ले मान सम्मान में 2 रुपए गिफ्ट। थैंक यू। जय हो लक्ष्मी मैया की। लीजिए, इसमें सबसे ज्यादा जिसकी मेहनत लग रही है वो है पीहू की बुआ, और इनको सिर्फ बर्तन धोने के लिए ही साबुन मिला हमारे घर का फ्रेंड्स, जिससे हम कपड़े धोते नहाते हैं वही साबुन पूरा घिस डाली है। साबन भी एक ला के देना। और पीहू कितने अच्छे से देख रहे हैं कि मेरे बर्थडे की तैयारी कैसी हो रही है। हाँ, हम भी कल कुछ ही कर देंगे। जिसमें छूट जाएगा और क्या। कल कुच्चा करता है। ब्लॉग डालूंगी ना। दीदी, हाँ दीदी पकड़ना, दीदी पकड़ना इसको। और ये मेरे मामा जी बोरिंग भर के ले जा रहे एक मरा हुआ कुत्ता। हमारे लिए छोड़ के नहीं जा रहे हैं कुत्ता। नहीं, हमको चाहिए ही नहीं, बस ये आपके लिए, आपको ही मुबारक हो। छीन रहे हैं मामा जी कुत्ता, बड़ी मुश्किल से कुत्ता। मार लिया ना, वही बहुत है। मामा सही में सही में मामा जी ने हमारे मुंह का निवाला छीन लिया। देखो तो सही बांध लिए। बोल रहे मैं बड़ी हो गई हूँ। फ्रेंड्स, आ गई आज मेरी मोटल्ली। जीजा तेरा अच्छा नाम खुले यार मोटल्ली। और वो मेरी बहन है, क्यूट क्यूट सी, दोनों मेरी बहन है, क्यूट क्यूट। ये दोनों फ्रेंड्स, ये दोनों मेरी बहने हैं, वो मेरी बड़ी बहन है, वो मेरी छोटी बहन है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पीहू के बर्थडे पर हम दाल बाफले और पनीर की सब्जी बनवाने वाले हैं, जिसके लिए बाफले के लिए मम्मी आटा गूंथने जा रही थी। इसमें हम मसाले ऐड कर रहे हैं, हल्दी, सौंफ और जीरा और थोड़ा सा
दूध और थोड़ा सा ऑयल। छाया दीदी तही सही में बहुत उज्जर। सो हम यहाँ पर थोड़ा सा काम करते करते हंसी मजाक करके अपनी बहनों से मस्ती भी करने लगे हम सारे लोग मिलकर, जिससे सब सो फ्रेंड्स हमारे पीहू के बर्थडे का डेकोरेट करने के लिए यह कैमरामैन बन गए समझ कर्मचारी, और हमने इतना सारा बैलून फुलाकर इसमें भरा है टंकी में। अब हम डेकोरेट करने वाले हैं यहीं पर, और ये हमारे मैनेजर साहब को देखो और दिन भर बकवास करती रहती हूं मैं और कुछ भी नहीं। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। अरे मेरी दीदी सब काम छोड़ के आगे बेचारी गुब्बारा फुलाने बैठ गई है, ये देखना नहीं पीछे से हवा निकल जाए, हवा निकालते हुए निकालते बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा जो जो हमारे चैनल पे। तो फ्रेंड्स हमारे पीहू की सब्सक्राइबर जितनी भी आई हैं हम इनसे थोड़ा सा बेचारी उन मदद करवा रही, हमारी हेल्प करवा रही, क्योंकि चूल्हा बनाना शायद उन्हें रखा। ले लें जो बना होता है टॉप में कपड़ा भर दो सूखी का हो तो यहीं रखना पड़ेगा उसको, तो यहीं घर में कपड़ा आज ले लें जो ईटा ले लो। पापा सूटर दीदी ले पता यार बस करा दूध ले जमा हो जाए यार बस करा बस दूध उठ ले आओ बस हो जाए। हाँ ओ चल आई तो है यार अच्छे से फोटो खींच रही थी। सो हो चुकी है शाम, हमारे पीहू के बर्थडे सेलिब्रेशन का रूम हो गया है पूरी तरह से डेकोरेट। अब यहाँ पर हमारे गुड़िया रानी का यानी बर्थडे गर्ल का चल रहा है फोटोशूट। फोटोशूट ले रहे हैं हमारे आलोक भैया, और फोटोशूट के टाइम पर पीहू देखिए पोज दे जा रही है, स्माइल वाला, अच्छा वाला, बुरा वाला। उसको सेलिब्रेट करने के में तो बहुत ही आनंद मिलता है क्योंकि उसके लाइफ का सबसे अच्छा दिन जो है। तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो बाबू के लिए गए, बहुत सारे फ़ोटो सभी मेंबर मिलकर। यहाँ पर उसके फ़ोटो शूट ख़त्म ही नहीं हो रहे थे क्योंकि केक भी कट। सो फ्रेंड्स देख सकते हो आप ये बाटी, बिल्कुल रसगुल्ले जैसी बाटी यानी कि बाफला, हमारे एमपी का फेमस खाना है ये। और इसको हमारे उड़ीसा से आए हुए भैया घी में डबोक रहे हैं, बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा। और ये मेरे हीरो हैं, ये भगवान को प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ सबसे पहले खाना जब बनता है किसी भी त्यौहार का तो सबसे पहले उसको भगवान जी को भोग लगाया जाता है जिससे बरकत अच्छी होती है। और वो सामने आप मोटल्ली को देख सकते हो फ्रेंड, मोटल्ली सब्जी बना रही है मिक्स वेज यानी कि। और इधर आप मेरी मम्मी को देख सकते हो, मेरी मम्मी कमर में साड़ी खोस रही है फ्रेंड्स। और इधर आप मेरे बर्थडे गर्ल को देख सकते हो, बर्थडे गर्ल इधर देखो, हाय बोलो। उस पे पीहू तो पहुंच नहीं पाएगी उस पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर केक और पूजा की थाली, आरती, टीका लगाने की हो गई तैयार। और पीहू को सब्र नहीं हो रहा है केक कट करने की, वो बार बार सबको खींच के ले जा रही, चलो जल्दी से केक कट करो, केक कट करो। और उसकी खुशी तो देखिए कितनी हैप्पी है आज। फिर दीदी ने पीहू को लगाया टीका माथे पर। टीका लगाने के बाद ये पीहू विकास भैया ने जल लाया उसमें, आज हमारी पीहू हो गई है 3 ईयर की कंप्लीट। तो 3 ईयर की कैंडल लगाया, अब उसको देखिए फूक रही है, फूक तो दे रही है बट फूकते फूकते पीछे भी देख रही है कि। और ये देखिए पीहू अब गई है शर्मा
केक नहीं कट कर रही क्योंकि सबने हैप्पी बर्थडे बोला तो उसको आ गई शर्म। केक कटने के पहले वो शर्म आ गई और ये देखिए केक काटने के पहले ही वो केक लेकर खा लिया। उनने केक नहीं कट करा, केक के ऊपर रखे चॉकलेट के बिस्किट को सबसे पहले मुंह में खाया और फिर सबसे पहले मेरे पापा ने केक खिलाया, यानी कि पीहू के प्यारे प्यारे से यूपी बिहार से आए हुए उनके नानू ने पीहू का मुंह मीठा कराया। और उसके बाद ये हमारे उड़ीसा से आए हुए भैया हैं, इन्होंने पीहू के साथ में फ़ोटो शूट करवाया और केक खिलाया बाबू को। सो पीहू को तो धीरे धीरे सभी लोग भैया मांग रहा था, कह रहा था ये चॉकलेट के बिस्किट मेरे को दे दो बाबू, बट पीहू ने नहीं दिया। पीहू की दादी लाइन में लगी खड़ी हैं क्योंकि उनको अपनी गुड़िया रानी को उनके जिगर के टुकड़े को भी केक खिलाना था। यहाँ पर हम सब ने थोड़े से मिलकर मस्ती कर ली क्योंकि बलून फोड़ना तो बनता ही है क्योंकि बर्थडे, और कोई बलून ना फोड़े ऐसा कुछ हो नहीं सकता। और फिर आए पीहू के सबसे प्यारे दादू जिन्होंने पीहू को केक खिलाया। पीहू ऐसा इस टाइम पर केक तो उसको बहुत कम पसंद है, बट इस टाइम पर उसको जैसा लगता है सब कुछ नॉलेज हो कि दूसरे के हाथ से किसी के हाथ से केक नहीं खाएंगे तो बुरा लग ही जाएगा कि हमारे हाथ से खाया उनके हाथ से नहीं खाया। तो मेरे गुड़िया रानी ने भले थोड़ा थोड़ा ही केक खाया हो सबके हाथ से खाया। मैंने बोला पापा आप खड़े हो जाओ आपके फ़ोटो शूट करवा ले मम्मी के साथ में, तो मम्मी भी आ गई और मम्मी पापा के हमने यहाँ पर करवाई फ़ोटो क्लिक बाबू के साथ में, क्योंकि याददारी याद तो रहने चाहिए कि हाँ उस बर्थडे पर हमने कैसे सेलिब्रेट करा था, पापा कैसे हैं, अच्छे सेलिब्रेट कर ले रहे हैं जब तक सब लोग हैं फ्रेंड्स, क्योंकि फैमिली का बात ही अलग है। फैमिली वाले लोग रहे तो किसी भी फंक्शन की बात में रौनक आ जाती है। और हमारे पीहू के फूफा जी आ गए, ये भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो इन्होंने पीहू के गाल में लगाया और खिलाया। सो उसका क्यूट सा भाई आ गया और उसके मुँह को साफ कर रहा उसके फेस को, क्योंकि उसके फेस पे बहुत सारे चॉकलेट लग गए थे फ्रेंड्स। और उनकी बुआ ने भी खिलाया केक को और ये उड़ीसा वाले भैया बार बार अपने फ़ोटो खिंचवा रहे हैं इसमें। और अब आए हमारे करीबी रिश्तेदार यूपी से आए हुए हैं पीहू के बर्थडे सेलिब्रेट के लिए, जो रिलेशन मेरे फूफा जी लगते हैं। तीनों ने बाबू को भी थोड़ा सा केक खिलाया, पीहू ने उनके हाथ से केक नहीं खा रही तो बोले खाओ बेटा इतनी दूर से चल कर आए आपके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तो खाओ नानू के हाथ से केक। फिर पीहू ने खा लिया उनके हाथ से भी केक। उसके बाद हमने भी अपनी गुड़िया रानी दोनों लोग मिलकर केक खिला और फोटो शूट करवाया, क्योंकि ये फल हमारे लाइफ का सबसे प्यारा फल है, क्योंकि हमारी गुड़िया रानी आज के दिन हमारी लाइफ में आई थी और हमारी लाइफ को पूरी तरह से हैप्पी बना दिया हमारी पीहू ने। आई होप आप लोगों भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते होंगे, हम तो करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस दुनिया में सभी के माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बट ऐसा लगता है कि हमारे जैसा प्यार हमारे बच्चों से कोई नहीं कर सकता है, बट ऐसा हमारी गलत फहमी है क्योंकि सभी लोग अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो चाहे हमारे माँ बाप हों या हम अपने बच्चों के माँ बाप हों। सो मौसी और उसके पापा नानू दोनों मिलकर केक खिला रहे हैं और फोटो क्लिक करवा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, पीहू के बर्थडे पर आए हुए सभी मेंबर ने थोड़ा थोड़ा पीहू के ऊपर प्यार बरसाया, ब्लेसिंग दी, खूब सारा प्यार किया। सो हमने इस तरह से अपने पीहू के बर्थडे का सेलिब्रेशन किया समाप्त और आई होप आप लोग हमारे पीहू को खूब सारा प्यार देंगे। सो फ्रेंड्स,